तपाईलाई हामीले कसरी शुद्धि पार्ने हाम्रो छातीमा अनाहत हृदय चक्र हुन्छ एकमा मणिको चक्र हुन्छ Thank you.
पंडाल कहाँ हो पंडाल पंडाल
अभी हम बाबा का दिव्य दरबार की तरफ जा रहे हैं और यहीं पे जो है बाबा का दरबार लगेगा अभी जस्ट, और वो साइड में है कोसी नदी। धाम को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान और पुण्य श्री भगत धाम सरकार के हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं, और आज का एक दृश्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से पूज्य भगवान पुण्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जिनके दर्शन मात्र से ही दर्शन के दर्शन का निवारण होता है। पावन तीर्थ में उच्च श्री बागेश्वर धाम सरकार का आरंभ हुआ है। चलत जी ने भगवान महायोगी सिद्ध बाबा पूज्य भास जी के संकल्प पाठ पर निर्माण हो जाए। केवल राम राम के जाप से आज आप सभी की अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में सामूहिक अर्जी के माध्यम से स्वीकार होगी। जिन भक्तों को बुलाया जाएगा उनको पावन मंच पर आना है, गुरुदेव भगवान को दूर से ही प्रणाम करना है, स्पर्श नहीं करना है, और बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा, जगत गुरुदेव भगवान की कृपा वाले पूज्य पीठाधीश्वर महाराज जी को, रे बासा वाले पूज्य पीठाधीश्वर महाराज जी को, सब संतन को, नेपाल आमा को, बागेश्वर हनुमान जी को, सन्यासी बाबा को, जो दोपहर 10 बजे से बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे, 12 बजे के 1:30 बजे हम आए, जो जो मन ही मन में हमें गाली बक रहे उनकी भी जय। साधु जी, जोर से बोला, साधु जी, साधु जी, कहो कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद में हो, जब आनंद में हो तो दरबार में क्यों आए भैया? पंडाल में जब श्री राम कार्यक्रम की स्थापना करने वाले
संपूर्ण नेपाल में सनातन की क्रांति लाने वाले अपने उसके बाद हमारे दादा गुरु जी ने दरबार लगाया। 40 वर्ष तक हमारे दादा गुरु जी दरबार लगाते हैं। 2010 में उनका काशी भाष हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगी को लोगों ने कबाड़ी हुआ होता बाद में बहुत पावरफुल बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा ओम ब्रह्म बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोल करके कपड़े को गले में या हाथ में बांध दो और बागेश्वर धाम पर शनिवार को प्रेतरा सरकार का दरबार लगता है। न दक्षिणा लगनी है, न पूजा लगनी है, न तुम्हारा कोई अनुष्ठान होना है। बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के रूद्र प्रसाद निकट नहीं आवे महावीर जब। कैसी भी प्रेत बाधा उससे मुक्ति मिल जाएगी। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। किसी को बीमारी है, हम मिल नहीं पा रहे, बहुत व्यस्त रहते हैं, एक सूचना और। अभी कल की खबर जगद्गुरु महाराज जी ने हमें महायोगी सिद्ध बाबा ने बताई। हम पिछली बार नेपाल आए थे तो कोई दाढ़ी मूंछों वाले महात्मा हमारा नाम लेकर एक माता जी को 20 लाख रुपया कर दिए। जपत निरंतर नाश रोग इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी के गंगाजल में थूक लगाकर बीमार रोगी को पिलाना शुरू कर दो और बागेश्वर धाम की पेशी करना शुरू कर दो। जाओ बिना पर्चा बने ही रोगी को आराम लग जाएगा। और हमने सब बातें उनकी बात समझ में किस किस के आगे जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है जरा हाथ उठाओ। पक्का की कच्चा जोश में तो होश में दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए बात मानोगे पक्का जाओ। हम भी वचन दे रहे आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है हमारे बालाजी की है। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और सपने में 2 दिन तक लगातार तुमको बंदर दिखाई देंगे। जब ऐसा हो जाए तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। बोलो जय सियाराम। आज के दरबार को हम शुरू करते हैं बालाजी के। कैंसर में पूर्ण आराम हंत चिकित्सा से लगेगा। क्या आशीर्वाद है। दादा दोनों हाथ मलुआ पर्चा दे दो इनको उनको दे दो। Thank you.
पीछे से अगल बगल चाहे जहां से जिसको तुम पहचानते ना हो, हम तो जानते ही नहीं, बिफोर टाइम हम पर्चा लिख कर रख देंगे। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? आप किसी को भी लेकर के आना, तुम जिसको लेकर के आओगे वो पर्चा उसी का निकलेगा। तुम जिसको लेकर के आओ, तुम कहते कि नहीं मानते और मानते, तुम मानोगे तुम्हारी माछी मानोगे। दूसरा, पुरुषों में, स्त्री में, महिलाओं में जिसको लेके आओगे उसका तो पर्चा निकलेगा ही निकलेगा। साथ में आपकी ये क्षमता नहीं है, हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओगे, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी दूसरे को उठा दो। अपनी बुद्धि लगाना, दिमाग लगाना, पढ़ाई लगाना, लिखाई लगाना, फिर तुम्हारी समझ में आएगा कि शक्ति क्या होती है और दरबार क्या होता है। कोई संदेह? एनी क्वेश्चन? किसी को उठा के ला सकते हो जिसे तुम पहचानते ना? क्यों? बस इतना है यार सर। फाइनल? ओ यूट्यूबर मिल गए फाइनल, हाथ ना जोड़ो, अबे श्रद्धा ना, जब चमत्कार देख लेना तब श्रद्धा देना। किसको बुला रहे तुम? बेटा रुक जाओ, उसी को बुलाने दो। जिसको वो बुलाए, जिसको वो पकड़ कर लाए, देखो वो जा रहा है यूट्यूबर का भैया। चल बाहर निकल, बाहर तो नहीं जाना है बेटा, बुला लो बदल दे लो, अभी तो करो काम है, अब अगर इस पकड़ पाए परम पूजनीय, परम वंदनीय राजस्थान श्री श्रीरामदास जी महाराज जी के विचार में से आपके आशीर्वचन सुने। तो यह रास्ता है तो ये कटारी वाला।